मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आलोक श्रीवास्तव जी को कि वो मंच पर आए। इनके विषय में सिर्फ दो लाइनें इन्हीं की हैं, इन्हीं के लिए कह रही हूँ। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। कविता जी, अभी जितना अच्छा कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वो 9 बरस की उम्र में भी बहुत अच्छी कविता करती थी। एक रिश्ता जो गालिबन 10 बरस से अपनी जज्बाती ज़मीन को नम किए हुए है, एक शख्सियत जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान रखती है, एक शख्स जो मेरे लिए मेरा स्पिरिचुअल गुरु भी है, आध्यात्मिक गुरु भी है, बड़े भाई भी हैं और मेरे घर के भी बड़े हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सूखी हुई धरती पर पहाड़ों से पानी आ गया हो। उनके लिए, उनका नाम लेने के लिए मुझे डॉक्टर बशीर बद्र की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं और ये मैंने उनके साथ रहते हुए, उनके साथ कार्यक्रम करते हुए, जिसका उन्होंने ज़िक्र भी किया, और उनके आश्रम में सब परिवार जाकर कई बार और किसी समस्या से उलझने पर उनसे परामर्श या मार्गदर्शन लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए ये पंक्तियाँ मुझे, और मुझे लगा कि जैसे मेरे कविता के गुरु डॉक्टर बशीर बद्र हैं, ऐसे मेरे जीवन में जो सकारात्मकता के गुरु हैं वो आप सबके। सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, और गले में इनके खुदा की अजीब बरकत है, ये बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। आप सबके गुरुजी, मेरे पड़े, मेरे बड़े पवन भैया, मेरे भैया जिनको मैं नाम भी नहीं लेता, बस भैया कहता हूँ और भैया राम राम कहता हूँ, और जैसे ही राम राम, भैया राम राम कहता हूँ, जब आप राम राम आता है तो सारी चिंताएँ राम राम हो जाती हैं, सारी परेशानियाँ राम राम हो जाती हैं। परेशानियों को कभी इतना मत अपने मन पर ला दिए, हौसलों को कभी ये मत बताइए कि आपकी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, परेशानियों को ये बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। मेरे साथी, मेरे सेलिब्रिटी दोस्त अनुराग मुस्कान जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे आदरणीय और हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनके सामने कुछ कहना तो ऐसा, वो जो एक कहावत है कि सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है, तो मैं तो दिया भी नहीं हूँ, एक छोटा सा जुगनू हूँ जो अक्सर टिमटिमाकर बुझ भी जाता है। तो इन लोगों के सामने, ऐसे प्रबुद्ध लोगों के सामने कुछ बोलना मुझे सचमुच में वैसा ही लग रहा है, लेकिन जो गुरुजी के साथ, जो भैया के साथ सीखा, जिस पॉजिटिविटी को सीखा, मुश्किलों से लड़ने के जिस हौसले को पैदा किया, आज ये पहली फिल्म मैं देख पाया, मेरा दुर्भाग्य है, बहुत सारी तैयारी भैया बताते रहे कि हम कर रहे हैं, और उसके प्रोसेस में मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य कि मुझे उन्होंने शामिल किया, बात बात पर बात हुई। मुझे 10-15 बरस पहले
जगजीत जी ने मेरी गज़ल गाई थी, जब से मैं इस परिसर में आया और ये सारा यहाँ पे सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखी और फिल्म भी देखी, तो वो जो गज़ल उन्होंने गाई थी उसका जो पहला शेर जिसको उर्दू में मतला कहते हैं, वो मुझे रह रह के याद आ रहा था। वो यूं है कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। भैया मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मैंने बताया मेरी हर मुश्किल से वो मुझे निकालते भी रहे हैं, मार्गदर्शन भी देते रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे गीतकार भी हो गए हैं। मैं आप सब के समक्ष उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रोजी रोटी चलने दीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे गीत अगर आप लिख देंगे तो मैं क्या करूँगा। आज तक मैं रहते हुए 10 बरस उनके साथ शो किया, लेकिन जिन लोगों को, जिन प्रबुद्ध लोगों को, जिन विद्वान लोगों को उन्होंने, ये उनकी विनम्रता है, उनकी सादगी है कि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि एस्ट्रो अंकल नाम का जो शो आपने देखा था उसमें मुझे निर्देशित आलोक किया करते थे। ऐसा नहीं है, आपके निर्देशन से तो हम आलोकित हैं। जिन विभूतियों की वजह से आलोक आलोकित है उनमें से एक विभूति हमारे पवन भैया हैं। कायस्थ परिवार में जन्मा बड़ा हुआ, माँ प्रशासनिक अधिकारी थी, पिता प्रशासनिक अधिकारी थे, तीन बड़े भाई बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फायज थे, नौकरी करते थे। पिता मुझसे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि वो कहते थे कि पहले कमा लो, बड़े हो जाओ, नौकरी करने लगो, तब ये शेर व शायरी करना। लेकिन मुझे दो ही भूत सवार थे, एक छोटा भूत था और दूसरा बड़ा भूत था। छोटा भूत था पत्रकारिता का और बड़ा भूत शायरी का था। जब भी वो नाराज़ होते थे, और नाराज़ वो सिर्फ भाषाई रूप से नहीं होते थे, वाणी से नहीं होते थे, वो दैहिक रूप से भी नाराज़ हो जाते थे। और दैहिक रूप से जब नाराज़ होते थे तो हमारी देह तीन तीन दिन तक किसी काम की नहीं रहती थी। मैं 15-17 बरस का अपनी माँ के पास जाया करता था और कहता था देखिए ये मुझसे नाराज़ होते हैं, अक्सर जो है ये सरहद की पे होने वाली जो प्रक्रिया है उस पर मुझे, उसका शिकार मुझे बना देते हैं, लेकिन मैं लिखूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लेखन में ही अपना भविष्य बनाऊंगा। तो मेरी माँ चूंकि वो एक भोपाल की जो बिल्कुल एक मुस्लिम कल्चर होता है, जो बड़ा बड़ा अदबी कल्चर होता है, उर्दू रस्मुलख़त भी मेरी माँ को आती थी, पिता को आती थी, तो वो जब मैं ये निराशा व्यक्त करता था और ये कहता था कि मुझे तो सिर्फ लिखना है, तो एक लफ्ज़ बोलती थी आमीन, और यही मेरी पहली पुस्तक का नाम भी था। कविता जी ने, जिनको खुद नीरज जी ने अपने हाथों से सम्मानित किया, वही जिस 9 बरस की बच्ची को आपने अभी कविता पढ़ते देखा और जिन कविता जी को आपने अभी इतनी अच्छी एंकरिंग करते देखा कि मुझे वाकई में फिल्म फेयर अवार्ड की एंकरिंग याद आ गई। फिल्मों में लिखता हूँ इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े आयोजन में फिल्मों जैसी एंकरिंग हो रही है, अवार्ड फंक्शन जैसी एंकरिंग हो रही है। तो उन्होंने परिचय में बताया जगजीत सिंह जी, पंकज दास जी, बच्चन साहब,
मैं बस यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि सपना कोई भी छोटा नहीं होता अगर उसे पूरी जिद के साथ देखा जाए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, संदीप महेश्वरी एक मोटिवेटर हैं, वो अक्सर सुनाते हैं कहानी, कहानी बहुत पुरानी है, मुझे आज यहाँ आकर रह रहकर वो कहानी याद आ रही है। वो कहानी यूँ है कि दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे खेलते खेलते, भैया समय कहाँ ना, वो बच्चे खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए, वीराने में चले गए जहाँ कोई नहीं था। उनमें से जो एक बड़ा बच्चा था उसे प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, पानी पीते पीते अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। दूर दूर तक कोई नहीं था, छोटा सा बच्चा उसका जो मित्र था वो था, उसने कुछ नहीं देखा, आसपास देखा एक बाल्टी रखी है और एक रस्सी है, तो उसने अपने पूरे दृढ़ विश्वास और साहस के साथ वो रस्सी बाल्टी कुएं में फेंक दी और कहा कि इसे पकड़ो और मैं खींचता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। ऐसा ही हुआ। अगर हम शारीरिक बनावट और बनावट भी गौर कर लें तो वो 10-12 बरस का, 13 बरस का था और जो गिरा था वो 17-18 बरस का था, लेकिन वो उसने खींचा और खींच के निकाल लिया उसको। दोनों खुशी खुशी गांव में गए, अपने माता पिता को बताया, गांव के लोगों को बताया, तो गांव के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ ये 10-12 साल का बच्चा और कहाँ वो 15-17 साल का बच्चा, ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। तो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो किसी जड़ी बूटी की तरह होते हैं, जहां लगा दो ठीक हो जाते हैं। तो वो गांव के बुजुर्गों के पास उन बच्चों को लेकर गए, पंचायत लगी कि ऐसा ऐसा हादसा वीराने में हो गया और ये बच्चा कह रहा है कि मैंने, और दोनों कह रहे हैं कि हाँ इसने मुझे बचाया, वो कह रहा है मैंने इसे बचाया, सो कैसे संभव है ये। तो गांव के बुजुर्ग थोड़ी देर सोचे, विराम किए और फिर बोले कि हाँ ये संभव है। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे संभव है, तो जो उत्तर उन्होंने दिया वो उत्तर आपके गौर करने वाला उत्तर है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा शिशु ये प्रण कर रहा था कि मुझे अपने इस मित्र को बचाना है, अपने से बड़े वजन में उम्र में इस मित्र को बचाना है, उस वक्त दूर दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। अब यहां से मैं वही बात कहता हूं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। चार पंक्तियां और मुझे अपनी याद आ रही हैं कि मंजिल पे ध्यान हमने जरा भी अगर दिया, मंजिल पे ध्यान हमने जरा भी अगर दिया, हालात ने डगर को उजालों से भर दिया। हालात ने डगर को उजालों से भर दिया, रुकने की भूल हार का कारण न बन सकी, रुकने की भूल हार का कारण न बन सकी, चलने की जिद ने रास्ता आसान कर दिया। कभी उन लोगों के पास मत रहिए, कभी उन लोगों को अपने जीवन में मत रखिए जो ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। हमेशा ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहिए, हमेशा ऐसे, मैं जब भी, मुझे याद है अंशल 17 बरस का मेरा बेटा, पत्नी एक ही होती है सबकी, मेरी भी एक है, उनको लेके जब भी मैं गुरुजी के पास गया और कहा मैंने कि गुरुजी ये कुंडली है आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसे रख दिया, ऐसे बंद करके ऐसे रख दिया टेबल पर और हमको ऐसी ऐसी सकारात्मक बातें पूरे परिवार को समझाई कि मेरा बेटा जिसका सा नहीं लग रहा था, पंडित राजन साजन मिश्र के यहाँ वो संगीत सीखता है, अगले हफ्ते से उसका सा लगने लगा। उसके अंदर पावर आपके अंदर है,
एनर्जी आपके अंदर है, ज़रूरत है ऐसे लोगों के सानिध्य में रहने की। ऐसे लोगों से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप भी आलोक से आलोकित हो जाएंगे। ऐसे लोगों को कभी अपने पास मत रखिए जो ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो ये कह सकते हैं यस तुम ये कर सकते हो, तुम मोबाइल से फिल्म बना सकते हो। उसमें एक लम्हा आया था, अनुराग भाई मेरे सीनियर भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनलों में बहुत बड़े बड़े लोगों से ये संवाद करते हैं। हम जैसे जो टेलीविज़न के पत्रकार हैं वो तो ऐसा है पर्दे के पीछे रहते हैं, तो लेकिन ये लोग पर्दे के सामने रहते हैं। और अगर जिनको हम अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है कहते हैं कि फेस ऑफ द चैनल, तो ये चैनल का चेहरा होते हैं। ये लोगों से संवाद करके अनुभवों को अपने परिष्कृत कर लेते हैं। तो जैसे ही वो फिल्म चल रही थी और उसमें जैसे ही ग्राफिक का एलिमेंट आया, ये बोले वाह। एक सेकंड लगता है किसी भी पारखी आदमी को ये देखने में कि आपने काम किस शिद्दत और किस मेहनत से किया है। और मैं चाहता हूं कि जो एक फिल्म हमने देखी उसके लिए और जो आने वाली बाकी फिल्में आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसी कसौटी पर खड़ी होंगी। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास से आपसे कहता हूं कि एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए उस फिल्म के लिए, उस मेहनत के लिए। बस इतना ही कि मैंने यहाँ जो बातें की हैं, अगर आपको लगता है कि एक शख्स जिसने अपने जीवन को पवन जी के पावन आश्रम से जुड़कर कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, और अभी बड़ी अच्छी बात कही कविता जी ने, बहुत सुंदर बात थी। मैं इस बात को अक्सर कोट करता हूँ और नाम से करता हूँ। मैंने जब 15-16 साल टीवी पत्रकारिता करते हुए इंडिया टीवी में, और उसके बाद फिर आज तक मैं 10-12 बरस करने के बाद जब टेलीविज़न को छोड़ा, सिर्फ कविता गीत लेखन, क्योंकि उसमें व्यस्तता बहुत हो गई थी और बार बार आप अर्जी लेकर अगर चैनल हेड के पास जाते हैं कि आज दुबई जाना है तो कल बहरीन जाना है तो परसों यहाँ जाना है, तो थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। वो उनके लिए भी कठिन हो रहा था और मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। तो जिस समय मैंने त्यागपत्र दिया आज तक से, तो अंजना ओम कश्यप मेरी साथी पत्रकार, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी और वही बात आज लगभग कविता जी ने अपने शब्दों में कही कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों के पीछे चल पाते हैं और उन्हें जीत पाते हैं, जी पाते हैं। तुम ये काम कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अनुराग जी के लिए कविता जी ने जो कहा, मैं उससे बात से 100% सहमत हूँ, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे जोरदार तालियों के साथ विदा दीजिए। एक बार जोरदार तालियां श्री आलोक श्रीवास्तव जी के लिए।